फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स आज करने वाले हैं हम लावा के दो फीचर फ़ोन का कंपैरिजन, जिसमें अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे एंड इसके प्राइस रेंज की बात करेंगे और इसके क्या फ़ीचर हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये लावा के दो फीचर फ़ोन हैं जिनके अनबॉक्सिंग वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ और ये दोनों अपडेट मॉडल हैं। इससे पहले जो मॉडल आते थे ये नेम सेम था बट कुछ फीचर कम थे, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको नहीं पता है, आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी, तो मेरे चैनल पर जाके दोनों की अनबॉक्सिंग की वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों आज इसका हम कंपैरिजन करने वाले हैं। ये लावा का A3 पावर मोबाइल है, इसका नाम है लावा A3 पावर इसका, और इसका नाम है लावा A3 वाइव। पहले केवल लावा A3 था बट अब इसका नाम लावा A3 वाइव हो गया, क्योंकि पहले वाले लावा A3 में आपको वाइब्रेशन नहीं मिलता था और इसमें आपको वाइब्रेशन दे दिया गया। मतलब अपडेट फ़ोन जो आया है अभी 1 महीने पहले, तो इसमें आपको वाइब्रेशन दे दिया गया, तो ये इसका नाम रख दिया गया लावा A3 वाइव। बाकी सब कुछ सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और ये लावा A3 पावर है, पहले इसके लावा A3 पावर में कीपैड जो था इसमें बटन में लाइट नहीं थी, बट अब इसमें बटन में लाइट दे दी गई, तो ये फीचर दोनों चेंज हुए हैं। और अब इन दोनों का कर लेते हैं कंपैरिजन। तो दोस्तों इसका नाम है लावा A3 एंड इसका नाम है लावा A3 पावर, मतलब सेम मॉडल है, सेम चीज़ है, बस पावर बढ़ गया है इसका। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या बढ़ने वाला है। अब इसकी बैटरी आप देख सकते हो 6 दिन चलने वाली है, इसका बैकअप 6 दिन का रहेगा। इसमें आपको बैटरी बैकअप मेंशन नहीं किया गया है, जो मैं आपको अंदर बताने वाला हूँ। तो अब बिना देरी करे इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। तो कुछ इस टाइप से बॉक्स पैकिंग रहने वाली है लावा A3 पावर की, और यहाँ पर ऊपर ही हमारा सेट रखा हुआ मिल जाएगा। ये हमारा लावा A3 पावर हो गया, इसको रख लेते हैं यहाँ पर। इसमें कुछ इतनी बड़ी बैटरी, मतलब बहुत बड़ी बैटरी है देखने में, तो ये आपको 2575 mAh की बैटरी आपको मिल जाएगी इस फ़ोन में। लावा A3 पावर में आपको 2575 mAh की बैटरी मिल रही है। अब कर लेते हैं अनबॉक्स लावा A3 को। तो लावा A3 की कुछ पैकिंग इस टाइप से है, देख सकते हो आप। इसका ब्लैक कलर भी आता है बट अभी वाइट कलर है, तो इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। और यहाँ पर ही लावा की ब्रांडिंग, ये हो गया अनबॉक्स हमारा सेट। तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ से ट्रक हुआ मिल जाएगा, कुछ बहुत ही शानदार लुकिंग है, स्लिम डिज़ाइन है इसकी, बॉडी भी अच्छी है, देखने में बढ़िया लग रहा है। तो ये तो भी लावा A3 हमारा, ठीक है। और इसकी बैटरी देख लेते हैं, चार्जर सेम, दोनों में सेम ही होता है, चार्जर में कोई डिफरेंस नहीं है। इसकी भी बैटरी को अनरेप कर लेते हैं। तो इसमें आपको बैटरी मिलने वाली 1750 mAh, मतलब दोनों के कंपैरिजन में आपको पता लग गया होगा कि जो लावा A3 पावर है उसमें आपको 2575 mAh की बैटरी मिल रही है, लेकिन लावा A3 में आपको 1750 mAh की बैटरी मिल रही है। पहला तो डिफरेंस ये हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। अब कर लेते हैं डिस्प्ले की बात। तो इसमें आपको 1.8 इंच की डिस्प्ले मिल रही है, इसमें भी आपको 1.8 इंच की ही डिस्प्ले मिलने वाली है, ये भी कोई खास फीचर नहीं है। तो दोनों में डिस्प्ले भी आपको सेम मिलने वाली है। अब बैक लुक की बात कर लेते हैं। तो बैक लुक में आपको इसमें भी आपको कैमरा BGA मिलने वाला है एंड इसमें आपको कैमरा BGA ही मिलेगा। इसका कुछ लुक इस टाइप से दिया गया है एंड इसका इस टाइप से, और दोनों में नॉर्मल स्पीकर ही है, किसी में हैवी स्पीकर नहीं है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो दोनों बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। अभी मैं आपको साउंड क्वालिटी भी चेक करा दूंगा, जब स्विच ऑन होंगे फ़ोन तो आप साउंड क्वालिटी सुन लीजिएगा, वही साउंड क्वालिटी इसकी रहने वाली है। दोनों में आपको फ्रंट की तरफ एक फ्लैश लाइट मिल जाएगी, मतलब टॉर्च मिल जाएगी, इमरजेंसी लाइट काम में आती है। फ्रंट में अगर बात करें हम, तो यहाँ पर इसमें आपको लावा A3 वाइव की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी एंड यहाँ पर इसका मॉडल नेम लावा A3 पावर मिल जाएगा। डिस्प्ले साइज आपको सेम मिलने वाला है। इसमें म्यूजिक सिस्टम के लिए अलग से बटन, अलग से कीपैड दे दिया गया, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तो डिज़ाइन की बात हो गई, तो लुक की बात हो गई। वहाँ के नॉर्मल इसमें भी ऑडियो जैक मिलने वाला है, इसमें भी आपको ऑडियो जैक मिलेगा एंड नॉर्मल चार्जर मिलने वाला है। तो अब बिना देरी करें इनको कर लेते हैं स्विच ऑन और फिर देखते हैं इसमें आपको क्या क्या फीचर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं एंड इसकी आप साउंड क्वालिटी भी सुन सकते हो, चेक कर सकते हो। तो पहले दोनों में डाल लेते हैं बैटरी एंड बैटरी डालने के बाद दोनों को कर लेते हैं स्विच ऑन और साउंड क्वालिटी का चेक कर लेते हैं। तो कुछ इस टाइप से इसमें आपको डबल सिम डालने का ऑप्शन मिल जाएगा एंड एक मेमोरी कार्ड अंदर से, कुछ इस टाइप से दिखने रहेगा सेट। तो इसमें बैटरी डाल ली है, अब इसमें भी बैटरी डाल लेते हैं और इसका भी लुक कुछ अंदर से इस टाइप रहेगा एंड इसमें आपको एक डिफरेंस और भी मिलने वाला है।
इसमें आप फुल साइज मेम सिम डाल सकते हो जो पहले चलते थे, आप वो वाले सिम भी सिम कार्ड यूज कर सकते हो जो ओल्ड सिम कार्ड है, बट इसमें आप ओल्ड सिम कार्ड यूज नहीं कर सकते, इसमें आपको मीडियम साइज़ वाला सिम कार्ड डालना पड़ेगा, जो प्रेजेंट टाइम में सिम कार्ड चल रही है वो वाला सिम कार्ड डालना पड़ेगा। दोनों मेमोरी कार्ड सपोर्ट है, इसमें आपको 8 GB मेमोरी कार्ड सपोर्ट मिलेगा एंड इसमें आपको 16 GB मेमोरी कार्ड सपोर्ट मिल जाएगा। चलने को 16 GB इसमें भी चलेगा बट ख़राब हो जाएगा कुछ टाइम बाद, तो इसमें जो सपोर्ट है वो 8 GB मेमोरी करेगा एंड इसमें 16 GB, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है। तो अब इसमें डाल लेते हैं बैटरी, बैटरी डालने के बाद दोनों को कर लेते हैं स्विच ऑन। तो कुछ इसकी बैटरी इस टाइप से, यहाँ पे इसको डाल लेते हैं, इसको भी डाल लेते हैं और दोनों कर रहे हैं स्विच ऑन। तो आप ध्यान से साउंड क्वालिटी सुनिएगा। इसमें A3 पावर में आपको थोड़ी वॉल्यूम ज़्यादा मिलने वाली है, बट आपको A3 में नॉर्मल ही मिलेगी। तो ये आपको साउंड क्वालिटी मैंने चेक करा दी, इस टाइप से कुछ साउंड क्वालिटी रहने वाली है। ब्राइटनेस की बात करें तो डिस्प्ले क्वालिटी इसमें A3 में आपको अच्छी मिल रही है, बाकी आपको A3 पावर में भी ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा तो अच्छी मिलने वाली है। अभी मैं आपको चेक करा दे रहा हूँ, तो कुछ इस टाइप से इसकी भी, और इसमें आपको A3 पावर में दिख जाएगा कि बैटरी कितने दिन चलने वाली है। तो इसमें भी दो सेल हैं, दो पॉइंट हैं, तो इसमें आप देख सकते हो इसमें बैटरी आपकी चलने वाली है 8 days 5 hours। इसमें आपको लावा में एक चीज़ ये खास मिलने वाली है कि सब कुछ लिख के आ जाएगा नॉर्मली कि कितने दिन बैटरी चलेगी और कितने दिन नहीं चलेगी। सेम लावा A3 में भी आपको ये फीचर मिल जाएगा, बाकी ब्लूटूथ आपको इसमें भी मिलने वाला है एंड ब्लूटूथ इसमें बहुत से फ़ोन आते हैं ब्लूटूथ नहीं मिलता है, तो दोनों में ब्लूटूथ मिल जाएगा, दोनों में आपको वाइब्रेशन मिल जाएगा और दोनों के कीपैड में आपको लाइट मिलने वाली है। आप देख सकते हो दोनों के कीपैड में लाइट मिल जाएगी। तो ये हो गया लावा A3 और A3 पावर का कंपेरिजन। अब कर लेते हैं दोनों के प्राइस रेंज की बात। तो फ्रेंड्स ये लावा A3 जो है ये आपको मात्र 1199 रुपये का मार्केट में मिलने वाला है एंड ये 1249 रुपये का मार्केट में मिलने वाला है, तो मतलब दोनों में डिफरेंस 50 रुपये का है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लेना चाह रहे हैं फ़ोन तो लावा A3 पावर को ही खरीदिए, परचेस कीजिए, क्योंकि आपको 50 रुपये में थोड़े फीचर एक्स्ट्रा एंड फ़ोन लुक वाइज भी अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि इसकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, बैटरी बैकअप भी बढ़िया है क्योंकि 2575 mAh की बैटरी दे दी, बाकी लुक वाइज भी फ़ोन बेस्ट है और साइज में भी थोड़ा बड़ा है, म्यूजिक सिस्टम भी इसमें आपको एक्स्ट्रा दे दिया गया है, बाकी आपकी इच्छा कोई भी फ़ोन परचेस कर सकते हो। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको किसी अदर फ़ोन का कंपैरिजन करवाना है या अनबॉक्सिंग करानी है तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।